नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर आ रही है रिंकू हत्याकांड से जुड़ी हुई। बीजेपी नेता मनोज तिवारी मंगोलपुरी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे हैं बीजेपी नेता मनोज तिवारी। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। जी, आप पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं मनोज तिवारी, और यहाँ पर जिस तरीके से कल देखने को मिला था कि पूरे इलाके में आरोपियों के घर के ऊपर तोड़फोड़ की गई थी, वहां पहुंच गए थे लोग, इसलिए ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हमारे सहयोगी मनोहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। रुक कर लेते हैं मनोहर का। मनोहर, मनोज तिवारी पहुंचे परिजनों से मुलाकात करने के लिए। जी मनोहर, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए रुक करेंगे उनका, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता मनोज तिवारी मंगोलपुरी पहुंच चुके हैं। रिंकू के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। हालांकि एक के बाद एक तमाम नेताओं का दौरा मंगोलपुरी की तरफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पूरे हत्याकांड पर अब सियासत भी अपने चरम पर है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वृंदावन पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वृंदावन कुंभ में योगी आदित्यनाथ की साधना, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। मथुरा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये मंदिर के भीतर से सीधी तस्वीर देखिए। बांके बिहारी का आशीर्वाद लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं। कुंभ शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले आशीर्वाद लेते हुए ठाकुर जी का, और उसके बाद तमाम तैयारियों का भी आशीर्वाद लिया जाए। रितिका, अगर देखें तो जिस तरीके से कोविड 19 का प्रोटोकॉल किस फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पर मंदिर के भीतर भी देखिए जो पुजारियों ने मास्क लगा रखे हैं, और वाकई में टीका आ जाने के बाद भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है, लेकिन धीरे 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 देश में जो डर था, जो भय का माहौल था, वो खत्म होने लगा है। और उसमें बहुत बड़ा योगदान इन मंदिरों का भी होता है, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आपके साथ कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तो साधक के तौर पर जाने जाते हैं, और आज देखिए किस तरीके से मथुरा पहुँचे बांके बिहारी मंदिर, यहाँ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और देखिए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अगर भगवान का आशीर्वाद लिया जाए तो वो कार्य जरूर सफल होता है, और इसी के तहत देखिए योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ ही दिन में कुंभ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उससे पहले मत्था टेकते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिंकू हत्याकांड से जुड़ी जो खबर है, मनोज तिवारी जो है वो पहुंचे हैं रिंकू के परिजनों से मुलाकात करने के लिए। मंगोलपुरी पहुंच चुके हैं मनोज तिवारी, और यहां पर रिंकू के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मनोज तिवारी। इलाके में सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। मनोहर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। मनोहर, क्या कुछ अपडेट? क्या मनोज तिवारी पहुंच चुके हैं, मुलाकात शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, मनोज तिवारी और यहाँ पर भाजपा नेता कुछ, और यहाँ के दिल्ली के भाजपा नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं और परिवार जनों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और परिवार जनों से मिलकर के जो घटनाक्रम के बारे में जानकारी भी ले रहे हैं, और सांत्वना देने के प्रयास कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से किस तरीके से मदद की जा सकती है परिवार को, वो तमाम चीजें परिवार के साथ बैठ करके शेयर कर रहे हैं, और परिवार के जो लोग हैं उनको जो पूरी जो घटनाक्रम की जानकारी है मनोज तिवारी को दे रहे हैं, और जो उनकी जो सुरक्षा से संबंधित जुड़ी जानकारी है, उनको डर का जो माहौल जो जिस तरीके से बताया जा रहा परिवार को है, उन तमाम चीजों को लेकर मनोज तिवारी उनसे परिवार
परिवार से बात कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बताते हैं सिक्योरिटी के बड़े इंतजाम किए गए हैं, चूँकि जो है राजनीतिक जो पर्सनैलिटी यहाँ पर पहुँच रही है उस वजह से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और यहाँ जो अंदर जाने वालों के लिए मेटल डिटेक्टर से भी स्कैन किया जा रहा है कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। और यहाँ पर थोड़ी देर बाद 2 बजे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यहाँ जो रिंकू शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो परिवारजनों के साथ सबकी सांत्वना और जो सबका जो सद्भावना है वो सबकी बनी हुई है, इसलिए सब लोग आप मिलकर के परिवार को सांत्वना देने पहुँच रहे हैं। जी मनोहर, जिस तरीके से इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है, कल हमने देखा वो तस्वीरें भी देखी कि आरोपियों के घर में तोड़फोड़ की गई है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है, तस्वीरें भी दिखाइए और बताइए भी जरा। बिल्कुल सहयोगी गौरव को कहूँगा कि आप दिखाइए कि किस तरीके से जो पुलिस का बंदोबस्त है और जो पीड़ित परिवार है वहाँ पर भी, जब मनोज तिवारी फिलहाल परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उससे पहले जो आरोपियों का परिवार है वहाँ पर भी जो घर के बाहर जो सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो जाए इसको लेकर के जो है पहले से एहतियात के तौर पर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े किए गए हैं और हर परिवार के बाहर एक सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिया गया है। किसी तरीके से कोई चूक ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, इसको लेकर के ये इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो जो ड्रोन से भी नजर रख रही है कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना घट जाए और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। इस लिहाज से यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अलग एक फोर्स जो दिल्ली पुलिस की है वो भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरा एहतियात बरता जा रहा है, सुरक्षा जो है पुख्ता कर दी गई है और यहाँ पर लगातार एसीपी थोड़ी देर पहले आए थे और साथ ही यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं वो समय समय पर आकर के यहाँ पर रिव्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बरोहा, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है क्योंकि देखिए रिंकू के परिवार वालों की तरफ से भी एक खत लिखा गया था पुलिस कमिश्नर को और ये बताया गया था कि देखिए जान का खतरा अभी भी हमारे ऊपर है, ऐसे में हमारे घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई और फिलहाल तस्वीरें भी आप हमें दिखा रहे हैं। लेकिन मनोहर, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक जो जांच क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है उस थ्योरी में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि परिवार वालों का कुछ और कहना है, जांच किसी और एंगल पर चल रही है। देखिए इसमें जांच कई एंगल से चल रही है। फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि जो आरोप 5 आरोपी उनको पकड़ लिया गया है और हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, जबकि इस घटना से संबंधित जो हत्याकांड से संबंधित अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि इसमें व्यापारिक जो है एक दुश्मनी का भी जो एंगल आ रहा है उससे भी जांच की जा रही है। वहीं जो अड़ोस पड़ोस की बात भी आ रही है, पारिवारिक रिश्ते की बात आ रही है, किस तरीके से जो इनकी हत्या की गई और क्यों की गई इसके कारणों का पता करने के लिए दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जानकारी है कि 5 जो आरोपी है उनको कर लिया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी मनोहर, मनोज तिवारी पहुंचे हैं, कितनी देर हो चुकी है वो अंदर परिजनों के साथ हैं? देखिए मनोज तिवारी करीब 10 मिनट से अंदर उनके परिजनों के साथ बैठे हैं, उनके परिवारजनों से हालचाल पूछ रहे हैं और जो जिस तरीके से उनके परिवार में एक जो जवान बेटा खोया है उनको लेकर सांत्वना देने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं परिवार को जिस तरीके से सहायता की जरूरत है और जो डर के साये में जो परिवार जी रहा है उसको किस तरीके से मदद दी जा सकती है उनको ढांढस बंधा रहे हैं, उन परिवार को सुरक्षा के लिए उनको जो सद्भावना के तौर पर किस तरीके से यहाँ सब कुछ माहौल ठीक बना रहे हैं और परिवार के लोग और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वे सब साथ बैठ कर किस तरीके से दुख की घड़ी में इस परिवार का साथ दे, ये तमाम चीजें यहाँ पर मनोज तिवारी इन परिवार के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी मनोज तिवारी अकेले मौजूद है अंदर या उनके साथ कोई और नेता भी है? देखिए मनोज तिवारी के साथ में यहाँ जो दिल्ली के भाजपा के कुछ नेता यहाँ मौजूद हैं साथ में हैं, लेकिन परिवार घर का जो एरिया है वो छोटा है, इस वजह से कम 4 या 5 लोग ही अंदर जा पाए हैं, बाकी जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर की साइड में खड़े हैं और वो पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच में वो खड़े हैं। और जिस तरीके से जो भाजपा नेता यहाँ पर पहुँचे, सुबह बजरंग दल के नेता यहाँ पहुँचे, RSS के नेता पहुँचे, विश्व हिंदू परिषद के नेता लोग पहुँचे, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है जो राजनीतिक जो गतिविधियाँ यहाँ बढ़ी हैं उस वजह से यहाँ पर सुरक्षा के जो है पुख्ता और जो है बड़े इंतजाम किए गए हैं। जी